ये फिल्म तभी मुमकिन हुई जब दो लोग साथ में ऐसे बोलने वाले मिल गए कि मुझे नहीं पता बस करना है, मुझे नहीं पता बस करना है। अगर ये थॉट के दो लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी ये फिल्म बन के आई है। तो सत्ताज मैम पिछले वर्ष मिले थे और उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता बस करना है और बड़ी मोबिलिटी केयर पूरे भारत को पता होनी चाहिए कि ऐसी कोई सर्विस है। तो क्या ये मुमकिन है? और मेरी डिक्शनरी में एक ही इस चीज़ का जवाब होता है, वो है हाँ, ये मुमकिन है और हमने इस चीज़ को कर दिखाया। जहाँ तक की बात की जाए थोड़ी सी राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, आज बहुत अच्छे दिग्गज इस मंच पे थे, सांसद मनीष तिवारी जी भी थे और डिसेबिलिटी कमिश्नर, ब्लाइंड सोसाइटी के अध्यक्ष, काफ़ी लोग आज मौजूद है यहाँ पर इस बात को कहते गए हैं। पर हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि जहाँ इंक्लूजन की बात की जाए वहाँ पर हमारी सभी फिल्में इंक्लूसिव साबित हुई हैं। इससे पहले जब एडमिटेड जिस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया वो भारत की पहली इंक्लूसिव फिल्म बनी ऑन जेंडर। जब हमने इसी, ये मंच बहुत खास भी है, इसी मंच पर रक्ति आवाज की घोषणा की गई थी और हमारे देश में उसके बाद एक क्रांति आई। 175 से अधिक शोज इस फिल्म के चले हैं और अभी भी बहुत ये फिल्म चल रही है। बाहर बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा ओजस्वी जी रक्ति आवाज आप तो दिल्ली में थे ना, आप यहाँ कैसे हैं? मैंने कहा कन्फ्यूजन डेट्स की हो रही है, पर फिल्म चल रही है, पर आज जो मौका है वो बड़ी मोबिलिटी केयर के लिए है जो कि तय उम्र चलने वाला है। जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो रक्ति आवाज ने एक अहम कदम जो भारत के जो नए रूल्स बन रहे हैं इस देश में उसमें स्थापित किया है, वो है कि सिनेमा हॉल्स में एक्सेसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए रेफरेंस पॉइंट फिल्म रक्ति आवाज बनी इस देश में। जहां हम इंक्लूजन की बात करें, जो बड़ी मोबिलिटी केयर का एक मॉडल है कि सभी लोग, ऐसा नहीं है कि ये सर्विस जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ही बनी है। एक दिन सबको ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे घर में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो सकता है जिसको टेम्परेरली भी व्हीलचेयर बाउंड होना पड़ सकता है, वॉकिंग स्टिक का सहारा लेना पड़ सकता है। इस फिल्म में जुड़े काफ़ी लोग हमने जितने भी कास्ट किए हैं वो जेन्युइन व्हीलचेयर यूजर्स हैं और उन्हीं को हमने इस फिल्म में कास्ट किया ताकि इस फिल्म में जो जेन्युइनिटी है वो दिखाई जाए सभी दर्शकों को। इस फिल्म से जुड़े काफ़ी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच के थ्रू, और शुरुआत सत्ताज मैडम से ही की जानी चाहिए क्योंकि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये एक फिल्म एक सोच है और इस सोच को जिसने सोचा है सबसे पहले उनको सलाम कि ये एक सेवा भाव से जो शुरू की गई एक क्रांति है देश में बड़ी मोबिलिटी केयर की। हम उन सभी लोगों से मिले जो इस सेवा का सेवन कर रहे हैं, यानी कि बड़ी मोबिलिटी केयर की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और उन्हीं को हमने टेस्टिमोनियल्स और फिल्म में शामिल किया। दूसरा, इस फिल्म में बहुत अच्छा भागीदार बने, इस फिल्म का एक फेस बन के बाहर निकली सौम्या ठाकुर जो कि मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड है, जो हमारे बीच मौजूद है। इस फिल्म के की जब कॉन्सेप्ट सुनाने में सौम्या के पास गया और सत्ताज मैम को बताया उसके बाद आकर के कि मैम सौम्या ठाकुर हैज एग्रीड टू डू द फिल्म, तो दोनों एक्साइट हो गए, पहले वो कि ऐसी सर्विस है और दूसरा मैडम कि ऐसा सौम्या हैज एग्रीड टू डू द फिल्म। मैंने कहा जी यस। वरिष्ठ एक्टर कुलदीप शर्मा जी जिन्होंने सौम्या के फादर का रोल निभाया इस फिल्म में और ज्योति मैम जिन्होंने मदर का रोल निभाया इस फिल्म में, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जितने भी आपने स्पोर्ट्स पैरालंपिक इसमें आपने प्लेयर्स देखे वो एक्चुअली में हैं, वो आर्चरी, उनकी पूरी अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स हमने हाईलाइट की हैं इस फिल्म में और सभी लोगों को और उनकी फैमिली को कहीं ना कहीं ऐसी सर्विस की बहुत ज़रूरत है। इस फिल्म से अत्यंत लोकप्रियता जिन्होंने शामिल की है इस रक्ति आवाज से, शिव कुमार शर्मा उन्होंने भी इस फिल्म में अभिनय किया है, चैतन्या मुकुंद ने किया है,
वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता और उनको एक केयर गिवर की हमेशा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरे भारत के डिसेबिलिटी के कॉन्क्लेव्स और समिट्स में जाते हैं और कैसे जाते हैं ये हमें पता है। मोड ऑफ कम्यूटिंग वो एक्सेसिबल नहीं है और पॉलिसी और निर्माताओं को और ऐसी जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं ये एकजुट होकर के एक मंच पे आ ही नहीं पाती हैं। एक पॉलिसी की नियुक्ति की जाती है और हमें बुलाया जाता है सुझाव देने के लिए, सुझाव हमसे लिए जाते हैं लेकिन लागू नहीं किए जाते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि जब सिनेमा हॉल्स के लिए पॉलिसी बनी और उसके लिए हमें बुलाया गया तब उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से सारी फिल्म्स में एक्सेसिबिलिटी को लागू कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि एक्सेसिबिलिटी के लिए हम स्पेशल चेयर्स बनवाएंगे सिनेमा हॉल के अंदर। मैंने कहा सर दैट इज नॉट इंक्लूजन, दैट इज आइसोलेशन अगेन। अगर मेरे साथ मेरे एक फैमिली मेंबर है जो कि डिसेबल्ड है और वो सिनेमा हॉल के अंदर आ रहे हैं तो वो मेरे साथ बैठ के फिल्म देखेंगे, ना कर कि मैं रो नंबर जे में बैठा हूँ और मेरा परिवारजन जो है वो लास्ट रो में दो स्पेशल चेयर्स पे बैठे हैं। दैट इज नॉट इंक्लूजन। बॉडी मोबिलिटी केयर इज अ ट्रू इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट। आपके पास ऑप्शन है। आप हिमांशु जी का टेस्टिमोनियल सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे वाइफ, जरूरी नहीं कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के स्पाउस भी डिसेबल्ड हो, वो एक नॉन डिसेबल्ड व्यक्ति भी हो सकते हैं और वो दोनों मिलके एक कॉमन व्हीकल क्या शेयर कर सकते हैं। उसका जवाब है यस और सॉल्यूशन इज सिटिंग इन द फ्रंट रो। जोरदार तालियां मैडम के लिए। मैडम मैंने लाइन में सबसे पहली चीज बोली थी कि जब दो लोग ऐसे मिल जाए ना जिनका एक ही सेंटेंस हो कि मुझे बस करना है, है ना, मुझे बस करना है, तो वो दो लोग जब इकट्ठे हो जाएं तो ये चीज संभव है। इस फिल्म के लिए मैं और भी बहुत लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। फिल्म में डॉक्टर कुलदीप सिंह भी हैं, जोरदार तालियां सर के लिए। एक अहम लाइन जो कि सिंस द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय आर्मी कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी, तो मैंने कहा कुलदीप सर हमारे लिए बहुत अच्छी कास्टिंग साबित हुए। इस फिल्म का म्यूजिक के बारे में अहम बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये फिल्म की एंथम है खुद का, तू है सहारा जीवन में युद्ध ना हारा, हर रास्ते को तू अपना बना। इसको लिखा रब दी आवाज के मेन लीड हीरो अभिनव शर्मा ने, जोरदार तालियां, और फिल्म का संगीत भी अभिनव ने दिया है, जोरदार तालियां। और जो इस कैंपेन की आवाज बने उनका ये डेब्यू है इस फिल्म में, अगेन बहुत लोगों ने डेब्यू किया है और नई लोगों को ऊपर लाने का प्रयास हम निरंतर करेंगे। मोहित राणा वहां बैठे हैं, इनका डेब्यू है इसके साथ, जो आपने इतना बेहतरीन एंथम ये सुना वो मोहित की आवाज में। तो ऐसे इस फिल्म के साथ जुड़े बहुत लोग हैं। इससे पहले जो माननीय सांसद मनीष तिवारी जी कह के गए थे कि अटेंशन स्पैन घट रहा है, तो अटेंशन स्पैन से हम एक घंटे से 6 मिनट पे तो आ गए, है ना। तो क्या रहता था कि ये कॉन्सेप्ट सारी दुनिया को बताना जरूरी था और हर चीज मुमकिन नहीं है कि आधे मिनट में भी समझ में आ जाए, क्योंकि आधे मिनट में पलक झपकती है, 2 सेकंड लगते हैं, सीन निकल जाता है। तो इस फिल्म के 3 वर्जन्स बनाए गए, 6 मिनट का जो कि आज आपने देखा, जो कि नेशनल कैंपेन लॉन्च की रीढ़ की हड्डी बना, 6 मिनट का मास्टर कैंपेन जिसमें कंप्लीट फैसिलिटीज को ओपनली शेयर किया गया और डिस्क्लोज किया गया है। और इसके साथ साथ जो सरदार मैम की सोच थी जिसके लिए उन्होंने हमारे से बातचीत की कि मुझे ये कैंपेन हर सिनेमा हॉल के अंदर चाहिए। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के 2-3 रास्ते हैं कि 6 मिनट की ड्यूरेशन सिनेमा हॉल में चलाना एक वाइबल ऑप्शन नहीं है। सो हर फीचर फिल्म के चलने से पहले और इंटरवल के दौरान एड्स चलते हैं, तो इसके 2 और वर्जन यानी कि 30 सेकंड का वर्जन और 1 मिनट का सेंसर भी प्रोड्यूस किया गया है, वर्जन भी प्रोड्यूस किया गया है और ये सारे प्रिंट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी सिनेमा हॉल में जाएंगे और आपको बॉडी मोबिलिटी गियर का वहाँ पे एड दिखेगा तो फोटो खींच के जरूर भेजना। जल्दी इस कैंपेन को डिजिटली लॉन्च कर दिया जाएगा ताकि आप बोर ना हो, मतलब ये है कि बॉडी मोबिलिटी केयर के यूट्यूब पे एड्स, इंस्टाग्राम पे एड्स देख देख के थक ना जाएं।
पर थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में चीज सॉल्व नहीं होगी, ये सिर्फ पॉलिसीज और नीतियों से चीज हल नहीं होगी। इस चीज को हल करने का एक ही तरीका है कि हम खुद आगे बढ़ें। जैसे कि क्रांति रब की आवाज लेकर के आई, वैसे ही एक एक्सेसिबल मोबिलिटी व्हीकल्स के अंदर बड़ी मोबिलिटी केयर प्रोग्राम के थ्रू लेके आने में आप हमारे भागीदार बने। आज आप इस वक्त तक टिके हुए हैं, इस वक्त तक जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। पूरी बड़ी मोबिलिटी केयर टीम ने हमारा बहुत साथ दिया है इसमें, और मेरे हर टेंट्रम को फेस किया है, क्योंकि आज जो आप रिजल्ट देख रहे हैं उसको बनाने में हमें एक वर्ष लगा है। और 6 मिनट की फिल्म बनाने के पीछे सत्येंद्र जी जितना वक्त जाता है ना, आप बिलीव करें कि गोली इतनी सी होती है जिसने दर्द दूर करना है, जिसके पीछे सालों की इनोवेशन लगती है। और सत्तार मैडम के पीछे उनका पूरा परिवार, पूरा समाज, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, और सत्तार मैडम से मिलाने का जो हमें क्रेडिट जाता है वो भी सत्येंद्र जी को जाता है, क्योंकि एक कार्यक्रम के थ्रू ही हम उनसे मिले थे और जुड़े, और उसी दिन से मैडम ने मिलके कहा कि मुझे भी एक दिन, वन डे आई विल मेक अ फिल्म दैट विल रन इन थिएटर्स। मैम टुडे इज दैट डे, एंड 7th ऑफ अक्टूबर वाज द डे व्हेन द सेंसर वाज इशूड, एंड जब भी सिनेमा हॉल में वो सेंसर सर्टिफिकेट चलेगा अगर आप उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस जो है चंडीगढ़ से इस क्षेत्र से, ये देखिए ऊपर फ्रॉम फिल्म का नाम लिखा आएगा अगर आप पढ़ेंगे, अबव द लिमिट्स द बडी मोबिलिटी केयर फिल्म हिंदी विद इंग्लिश सबटाइटल्स यू सर्टिफिकेट के साथ, इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने क्लियर किया है, तो ये आप थिएटर्स में देखेंगे। जय हिंद।